इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 क्षितिज भाग 2, इसका 17 नंबर अध्याय पढ़ेंगे, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो चलिए पहले इनके बारे में जानते हैं, उसके बाद संस्कृति जो ये लिखे हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला जिले में सुहाना गाँव में हुआ था। जो पंजाब के अम्बाला जिले में जो सुहाना गांव है वहां पर इनका जन्म 1905 में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। क्या था? हरनाम दास। ये दो चीज याद रखना, जन्म उनका 1905 और कौन सा जिला? अम्बाला जिला, सुहाना गांव, और इनका बचपन का नाम हरनाम दास। बस इतना में यही पूछेगा, मतलब ज्यादा यही पूछे जाते हैं। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया और बीए करने के बाद अत्यंत हिंदी से भी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु बने थे। उसके बाद से बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की और देश विदेश में गए और तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। वर्धा में जब उनका सत्याग्रह चल रहा था तब साथ में थे और सन 1988 में उनका निधन हो गया था। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें से सुनाते हैं भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी जो हम लोग सब करते हैं, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, ये बहानेबाजी। इसको पढ़ेंगे तो आपको जरूर मैं बताऊंगा। ये बुक लाते हैं पहले, उसको समझकर तब आपको इसके बारे में ही बताएंगे। यदि बाबा न होते तो, यदि बाबा न होते, रेलवे का टिकट कहाँ गया देखा, कहाँ क्या देखा, जिसमें से काट दो और गैप भी काट देना, एक नंबर की दो नंबर, ओ तीन नंबर जा रहे हो, फोन लेकर गए तो तीन नंबर हुआ। जिसमें भिक्षु के पत्र जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी जो हम सभी करते हैं, यदि बाबा ना होते, रेलवे का टिकट कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिसमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। उसमें बहुत सारे कथाओं का अनुवाद भी उसमें किया गया है। देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभवों की व्यापकता प्रदान की और घूमने के बाद उनको ज्यादा अनुभव मिला, अनुभव से उनको सीखने को मिला और उनकी सृजनात्मक को समृद्धि मिली और उनके व्यक्तित्व को समृद्धि मिली। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्र, प्रयाग मतलब क्या, यूपी वाला एरिया, यूपी वाला इलाका, और राष्ट्र मतलब गुजरात का, तो प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार सीमित वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। और उसके बाद से गुजराती भी भाषा का इन्होंने प्रचार प्रसार किया, लेकिन बाद में हिंदी को आगे बढ़ाया लोग। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृत्व मतलब उनके काम से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोल चाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, स्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित है। कैसे चर्चित है भैया, ये जानते हैं। ये देखिए, संस्कृति ये निबंध है, ये याद रखना। पूछा जाएगा संस्कृति क्या है, तो संस्कृति निबंध है। हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों के टकराव की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। ये सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अभिभाज्य है, मतलब मानव संस्कृति सब अलग अलग वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है, जो संस्कृति को बांट देते हैं। जो आज मुसलमान का है, बौद्ध का है, जैन का है, हिंदू का है, महावीर का है, ईसाइयों का है, अलग अलग धर्मों में बांट दिए हैं।
उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो सभ्य है और न ही संस्कृति है। अगर इंसान के कल्याण के लिए कोई भी चीज यहाँ पर काम नहीं कर रहा है तो किसी लायक नहीं है, लात मार दो ऐसे समान को। अगर आप कितने भी बड़े अफसर हो जाते हैं और आपके मन में इंसानियत का भाव नहीं होता है तो तुम्हारा पढ़ा लिखा सब फालतू का है, बेकार का है। इसलिए जीवन में साक्षरता लाओ, जीवन को साक्षर बनाओ। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे होगे, पता है हमको। जिंदगी में अपने आप को इतना अच्छे मुकाम पर ले जाओ कि लोग गर्व से कहे कि ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है। लड़की हो तो ये हमारी बहन है, ये हमारी बेटी है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माँ है। ऐसा लोग कहे आपके बारे में, ऐसा काम करके जाओ। आप ऐसा काम करके जाओ कि लोग कहे कि ये हमारे पापा थे, ये हमारे मम्मी थी, ये हमारे पापा हैं, मम्मी हैं, ये हमारे दादा दादी हैं, ये हमारे भाई है, हमारी दीदी है, हमारी बहन है, और हमारी पत्नी है, हमारे पति हैं। ऐसा लोग कहे, ऐसा काम करो जिंदगी में। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। सबसे समझे जाने वाले शब्द हैं सभ्यता, मतलब हम जो परंपरागत तौर पर लेकर आ रहे हैं, और संस्कृति भी जो हमारे परंपरागत तौर से आगे आ रही है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, एक तो होता है शरीर से जो हम लोग फिजिकल तौर पे करें, और एक होता है जो मन से चेतना के वजह से करें, और दोनों का मतलब अलग अलग होता है। तब दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है कि भैया दोनों का अर्थ क्या है, वह भी गलत सही हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है? क्या यह एक ही चीज है, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, अथवा दो वस्तु है ये? क्या एक ही मतलब होगा कि दो मतलब होगा? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इस अपने तरीके पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कल्पना कीजिए कि उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। देखो यहाँ पर, जब कल्पना कीजिए कि उस समय मानव सभ्यता आग का आविष्कार नहीं कर पाए थे, ठीक है, उससे नहीं, आग अपने फायदे के लिए नहीं इस्तेमाल करते थे। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहली बार आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कारी होगा, मानिए। ये आज उस आविष्कार को कुछ भी भाव नहीं दिया जाता है। अथवा कल्पना कीजिए उस समय के जब मानव को सुई धागे का परिचय न था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहला बार आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर आगे का नोखिला बनाकर उससे उसके एक सिरे को छेद कर और छंद में धागा पिरो कर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कारता रहा होगा उस जमाने का, जो एक सुई का आविष्कार किया होगा। समझो, ब्लेड का आविष्कार करने वाला कितना कमाल का होगा, ये समझो। आज से 200 साल पहले ब्लेड का आविष्कार हुआ था। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है कि व्यक्ति विशेष की आग की आविष्कार कर सकने की शक्ति है, और दूसरे में आग का आविष्कार, एक में है कि आग का आविष्कार करने की शक्ति और दूसरा है आग का आविष्कार। तो कौन से भौतिक सभ्यता है इसमें से, कौन से आत्मिक सभ्यता है, ये जानना है। भौतिक मतलब हो जाएगा आग का आविष्कार करना, और नहीं सॉरी, शक्ति का हो जाएगा भौतिक वाला, और आत्मिक का मतलब हो जाएगा आविष्कार। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, आगे ये बुक बोलेंगे, आशा है कि बोला जा सकता है, क्योंकि अभी कंफ्यूजन रखना चाहिए, जरूर रखना चाहिए, तभी तो आगे जाकर समझोगे ना। इस प्रकार दूसरे सुई धागे का उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का आविष्कार, मतलब जो शक्ति, योग्यता और आपके प्रेरणा के बल पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ है,
वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उसी को ही संस्कृति बोलते हैं, व्यक्तियों की संस्कृति। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ है, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कार किया है, आविष्कृत उसको बनाया है, खोजा है, उसका नाम है सभ्यता, और उसी को बोलते हैं सभ्यता। अब देखिए यहां पर आत्मिक और भौतिक सभ्यता के बारे में बता देते हैं। और संस्कृति और सभ्यता दोनों एक ही शब्द है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग हो जाता है सेंटेंस के अनुसार, शब्दों के वाक्यों के अनुसार। अब देखो भौतिक सभ्यता मतलब किसी अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, सब में आ जाता है कि नहीं? भौतिक सभ्यता में आ जाएंगे जो अपने शरीर से हम किए हैं, और आत्मिक सभ्यता में आ जाएगा जो अपने चेतना के बल से कर रहे हैं, जो अपने सोच के बल से कर रहे हैं, अपने मानसिक शक्ति के बल से कर रहे हैं। शरीर से कर रहे हैं भौतिक, और मानसिक से जो कर रहे हैं वो है आत्मिक, क्योंकि आत्मा मन में नहीं होता, आत्मा दिमाग में होता है। जो बीच में बोला जाता है ना, बीच में जो ग्रंथी होता है टिक, वही है सबसे बड़ा देवता, वही सबसे बड़ा भगवान है, वहीं पर ब्रह्मा विष्णु महेश सब चीज वहीं पर विराजमान है आपके मस्तिष्क के टिक के नीचे। इसीलिए टिक महत्वपूर्ण है बाबा, और टिक में आप रह गए तो टिकी टिकी करते रह जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे किसी भी वीडियो में आप देख लेना, मेरा टिक दिखा दो तो मैं मान जाऊं, टिक नहीं दिख सकता, क्योंकि हम उस सभ्यता उस परंपरा को नहीं मानते हैं जो हमें नहीं सीखा, जो हमने नहीं देखा है। जो हमने देखा है उसी सभ्यता को हम मानते हैं, बाकी हम नहीं मानते हैं। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक और जैसे प्राकृतिक मात्रा में होगी, अब देखो जिस व्यक्ति में पहली चीज कोई भी चीज हो जितनी अधिक जैसे प्राकृतिक मात्रा में आपके पास हो, वह व्यक्ति उतान ही अधिक वैसा ही प्राकृतिक आविष्कारता होता होगा। अब देखो जितना ही जिसको ज्यादा लगाव होता है ना, उतना ही उसमें डूब जाता है, और जब डूब जाता है तो उसको आविष्कार करता है, आविष्कार करता है तो आविष्कार करता हो जाता है कि आविष्कार करने वाला हो गया। अब देखो किसी को सुई धागा से कमी खाता होगा तब ना उस सुई धागा का इस्तेमाल किया, किसी को आग की जरूरत होगी तब ना उसने आग लगाई। आग कब लगाई? जब देखी कि जंगल में दो वृक्ष टकरा कर जब जंगल में आग लग गया तो उसको लगा कि दो चीज को हम टकराएंगे तो आग लगेगा। फिर खोजते खोजते ऐसे पत्थर को खोजा कि जल्दी से आग लग जाए, तुरंत आग लग जाए, पानी बरसते रहे तब भी आग लग जाए। तो ऐसे में आविष्कार करने में थोड़ा समय लग जाता है। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, संस्कृत नहीं अब संस्कृति व्यक्ति होनी चाहिए। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अन्यास ही प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जो उसका संतान होता है उसको पूर्वज के तौर पर आसानी से मिल जाता है, जैसे में आग मिल गया, सुई धागा मिल गया। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तत्व का दर्शन किया था, जैसे में हम जो कर रहे हैं, हमारा जो बेटा होगा, बच्चा होगा, बेटी होगी, वो सब ये सब तो शुरुआत से ही जानेंगे ना, क्योंकि हमारे साथ रहेंगे तो हम बचपन से ही उनको सिखाते रहेंगे तो उनको तो ऐसे ही मिल गया ना, उनको ज्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता है। लेकिन वो चीज को खोजेंगे ना तो और ज्यादा वो पा सकते हैं। वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है, और जो व्यक्ति है वही संस्कृति व्यक्ति है। देखो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता का मतलब यहाँ पर वस्तु से हो गया, संस्कृति का मतलब यहाँ व्यक्ति से किया जा रहा है। तो जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ कर गए, हम अपने संतानों के लिए छोड़कर जाएंगे, वही होता है व्यक्ति संस्कृति। तो संस्कृति संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अन्यास ही प्राप्त हो गया, आसानी से मिल गया होगा, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, पूर्वज के जैसा बन जाए, संस्कृति नहीं कहला सकता, लेकिन वह संस्कृत नहीं कहला सकता। यहाँ पर संस्कृति होना चाहिए लेकिन संस्कृत लिखा गया है, तो संस्कृति वह नहीं कहला सकता। ये नहीं कहा जा सकता है कि वही आविष्कार करते का बेटा है, कोई नहीं कहता है, केवल यही जानते हैं कि इसने आविष्कार किया। बेटा वेटा को कौन पूछता है भैया, बेटा अगर उसको और ज्यादा आगे बढ़ाता है तो उसको भी पूछेंगे लोग। एक आधुनिक उदाहरण लेते हैं, जैसे में
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, चुंबकीय शक्ति। वह संस्कृति संस्कृत मानव था, ठीक है। आज के युग का भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स हम पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित ही है, थर्ड लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ होता है ना। लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिसने न्यूटन अपरिचित ही रहा। अब देखो, कुछ जो बात है शायद न्यूटन वो नहीं जानते होंगे जो हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम उसको और ज्यादा उसको एक्सपेंड कर दिए हैं, मतलब और ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके सीख लिए हैं, क्योंकि अनुसंधान करने में तो हम लोग कम नहीं है। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं। जो आज का छात्र है, स्टूडेंट है, उसको हम न्यूटन से ज्यादा सभ्य मान सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृति नहीं कह सकते। मतलब जितना न्यूटन जानता था उसके बारे में उतना संस्कृत उसको नहीं कहा जा सकता है, ये भी सच है। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा का कारण रही होगी। आग बनाने के लिए पेट के भूख को शांत करने की जिज्ञासा होगी, प्रेरणा होगी। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, मतलब ठंडे से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने के लिए एक विशेष हाथ रहा होगा, उसमें एक प्रेरणा होगी कि हम अच्छा अच्छा कपड़ा सिल कर पहन सके, इसलिए हम सुई धागा का इस्तेमाल किए, आविष्कार किए उसका। आप कल्पना कीजिए कि उस आदमी की जिसका पेट भरा है खाना खाने से, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है, तो उसके केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने की पेशकश है कि मतलब परेशान है उसमें कि आखिर यह मोती मतलब ये तारा, ये मोती भरा थाल क्या है। थाल मतलब एक बड़ा सा ये गुच्छा क्या है। ऐसा तो नहीं था कि न्यूटन के शरीर पर कपड़ा नहीं था, पेट में खाना नहीं था, सब था, भरा हुआ पेट था, कपड़ा था तन पे। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य के संस्कृति की जननी है। मतलब पेट भरने की इच्छा और कपड़ा पहनने की इच्छा, तन ढकने की इच्छा, ये मनुष्य की संस्कृति परंपरा है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है, एक प्रकांड पंडित है, निठल्ला नहीं बैठ सकता। और जो संस्कृत मतलब विद्वान है, समझदार है, चलाक है, चतुर है, वो कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकता। लेकिन हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है, जैसे न्यूटन से मिला, स्वामी विवेकानंद से मिला, वल्लभ भाई पटेल से मिला, एपीजे अब्दुल कलाम से मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला, अभी मोदी जी से मिल रहा है, और बहुत सारे इतिहास में महाराणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, और लड़कियों में ले ले तो दादाबाई है, और रानी लक्ष्मीबाई है, सरोजनी बाई है। तो ये लोग एकदम इतिहास में अपने आप को रच कर गए हैं, और जो रचे हैं वो उनके भविष्य के लिए है। आज भी उनको चेतना के रूप में रखा गया है, प्रेरणा के रूप में उनको रखा गया है सजाकर, जिनकी चेतना पर अस्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, और जिनके चेतना पर बहुत ज्यादा भौतिक कारणों का प्रभाव रहा होगा, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर डालकर, अगर दिमाग पर प्रेशर डालोगे ना, दिमाग और काम करने के लिए उत्सुक हो जाता है। लेकिन सोचोगे चलो यार थोड़ा सो लेते हैं, तो सोतले रह जाओगे, जिंदगी में उठ नहीं पाओगे कभी। किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिलता है, मनुष्य से भी मिलता है। यहाँ पर मनुष्यों है, मनुष्य मतलब मनुष्य से ही मिलता है, और जो ऋषि मुनि है उनसे भी मिलता है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के ही कारण पैदा होता है। अब देखो, कुछ भी प्रेरणा बन रहे, कुछ भी भौतिक प्रेरणा है, कुछ भी बना रहे हैं, वो कैसे बनाते हैं? क्योंकि उनके अंदर में सहज संस्कृति प्रकरण है, कारण है कि हमें इस चीज के लिए ही पैदा किया गया, इस चीज के लिए जन्म दिया गया है।
अगर आपका जन्म राज्य करने के लिए है तो आपका दिमाग किसी ना किसी तरह उस रास्ते में चला जाएगा, लेकिन अगर उस रास्ते को आप नहीं पकड़िएगा तो डूब मारो चुल्लू भर पानी में, यार कौन पूछता है। इसलिए जब भी सही रास्ता हो तुरंत पकड़ो, समाज के मोह माया छोड़ो, समाज का रीति रिवाज बोल बाल छोड़ो और उस रास्ते को पकड़ो, अपने मंजिल पर पहुंचो। रात के तारे को देखकर न सो सकने वाला मनीष, मतलब कौन था, न्यूटन, हमारे आज के ज्ञान का एक ऐसा प्रथम पुरस्कर्ता था। मतलब आज जो हम ज्ञान हासिल किए हैं उसका प्रथम देने वाला था, दानवीर था वो हमारे लिए, जिसका नाम था न्यूटन, आइंस्टीन न्यूटन। एक तो थे आइंस्टाइन और एक वैज्ञानिक है उनका नाम नहीं याद है, और हमारे एपीजे अब्दुल कलाम देश को कितना बड़ा हथियार देकर गए, बहुत बड़े बड़े हथियार दे, अग्नि, ब्रह्मास्त्र सब देकर गए थे। भौतिक प्रेरणा ज्ञानेप्सा क्या है, भौतिक प्रेरणा क्या है, ज्ञान क्या है, ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं। भौतिक प्रेरणा कुछ करने की लालसा, जिज्ञासा, जिज्ञासु अपने अंदर उत्साह, और ज्ञान, क्योंकि दो चीज ही हमारे मानव संस्कृति के माता पिता हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासु भावना नहीं हो, इच्छा नहीं हो, आपके अंदर ज्ञान को प्राप्त करने की लालसा नहीं हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, एकदम ठेला चलाओगे, उसके बाद से आप क्या करोगे, मुड़ी पर बोझा ढोओगे बस, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, दूसरे के मुंह में खाना रखने के लिए, दूसरे का पेट भरने के लिए, कोई अपना पेट नहीं भरता है पहले उसके बारे में सोचता है तो उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है। मतलब यहाँ पर दिया जा रहा है किसी दूसरे का पेट भरने के लिए अपने को भूखा रखना, ये बात उसके मन में कैसे आती है। रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रह जाती है वो आखिर ऐसा क्यों करती है। आज भी आपको दिन याद होगा, कभी ना कभी आपके भी माँ, कभी आप बीमार पड़े हो तो रात भर आपको अपनी अचरा आंचल से हवा डुलाते हुए दिख जाती है जब भी उठो। ये ममतत्व है, ये मातेश्वरी का शक्ति है, किसका, ममता की शक्ति। तो इसके आगे भैया बहुत कुछ हो सकता है। एक औरत से एक करीबन 40 से 50 किलो, बेसी से बेसी एक क्विंटल नहीं उठ सकता है। वो औरत विदेश की औरत एक थी, उसका छोटा सा बच्चा एक मिनी ट्रक के नीचे आ गया था, अकेले उस मिनी ट्रक को उठा दिया था, छोटा ट्रक को उठा दिया था, क्यों, अपने बेटे को बचाने के लिए। सुनते हैं कि रूस का एक भाग्य विधाता, मतलब रूस में एक लड़का था, लेकिन अपनी डेस्क टेबल में, टेबल के ड्रॉअर में, टेबल में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े, डबल रोटी होता था लेकिन सूखा हुआ टुकड़ा, स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। वह आखिर ऐसा क्यों करता था। संसार में मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए क्लर्क मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया, और उनका नाम था क्लर्क मार्क्स ने सारा जीवन दुख में बिता दिया, और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले सिद्धार्थ मतलब आज गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ ने अपना घर बार, घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तर्पण मतलब इस बीमारी, इस बुढ़ापे की, जो बचपन से लोग पैदा लेकर बूढ़ा जाता है, मर जाता है, तो उस तर्पण के बसीभूत लड़ती कटती मानवता सुख के राह पर कैसे चल सकती है, सुख के, सुख से रह सके, मतलब वो मानवता, मानव जाति को सुख से रहने के लिए शिक्षा देते थे, दीक्षा देते थे, और इसके लिए वो अपने घर बार क्या बोलूं, अपने राजमहल छोड़कर, सिद्धार्थ एक राजा के बेटे थे और वो राजा कहीं और का नहीं, यहीं का पाटलिपुत्र बिहार का था, और समझिए यहां से वो कहां आज महात्मा बुद्ध बन गए। कैसे, क्योंकि जो दूसरे के कल्याण के लिए सोचता है ना, प्रकृति उसका कल्याण जरूर कर देती है, लेकिन गलत सोच लिए तो प्रकृति ऐसा कल्याण करेगी कि आप सहज नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता है,
योग्यता को लोग योग्यता बोलते हैं, लेकिन इसको योग्यता पढ़ा जाता है। योग्यता आज और सुई धागे का आविष्कार कराती है। देखो, हमारे समाज में मानव संस्कृति की जो योग्यता है आग और सुई, आग और सुई का आविष्कार आज भी कराती है। आज हम लोग सलाई से जला लेते हैं, आज हम लोग सुई धागा मार्केट सुई से खरीद के लाते हैं, वह भी संस्कृति है। और वो जो खत्म होकर आ रहा है, आज भी चल रहा है, वह भी संस्कृति है। हम पानी पी रहे हैं, यह भी संस्कृति है। थोड़ा मैं पानी पी लेता हूं। जो योग्यता तारों की जानकारी करती है, जो हमारी पढ़ाई लिखाई योग्यता तारों की जानकारी रखती है, खगोल शास्त्र उसको बोलते हैं, वह भी है आज। जो योग्यता किसी महामानव से सर्वथ त्याग करती है, मानव मान्यता सॉरी महामानव से सबसे अलग त्याग करवाती है। अरे वो जो महामानव होता है ना, वो हर चीज को छोड़ने के लिए तैयार होता है, उसको किसी भी चीज का लालसा ही नहीं होता है ना, वह भी संस्कृति है। मैं अपने लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे लिए कोई बोलेगा तो हमारे हमको जानने वाले लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारा काम है कर्म करना, फल की चिंता नहीं करना चाहिए कभी भी। और सभ्यता, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम, सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। संस्कृति कैसा रहा है और हमारी सभ्यता ही बताती है। तो सभ्यता और संस्कृति का मतलब जान गए। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमना गमन नहाने बाथरूम जाने का साधन, हमारे परस्पर कट मरने का तरीका, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश, आत्मविनाश मतलब खुद को खत्म कर लेना, उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। और मानव का योग्यता ही है कि उसको अपने आप को विनाश करने के लिए काबिल बना देता है। हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति, ये तो नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर सवाल है। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, जिन साधनों की वजह से अपने आप का विनाश कर रहा है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता समझे, उन्हें उसकी सभ्यता समझे कि असभ्यता समझे, समझ में नहीं आता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए, संस्कृति का कल्याण करने के भावना से नाता टूट जाएगा, तो असंस्कृति होकर ही रहेगी, और उसके बाद से संस्कृति नहीं असंस्कृति ही आगे चलेगी। जैसे मैं देखो, पहले के लोग अपने हिंदुस्तान में पूरा कपड़ा पहनते थे, आज लोग बोलते हैं आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, मतलब हम अच्छा सहज महसूस कर रहे हैं अधलंगी कपड़े में। भैया फैशन है तो उसको संस्कृति नहीं असंस्कृति बोलेंगे, मतलब हम लोग का घटन विघटन हो रहा है। आज तो कपड़े छोटे होने लग रहे हैं ना, हम जहां से चले थे वहां पर आ जाएंगे। जैसे मैं हम आदिवासी में कपड़ा नहीं पहनते थे, और फिर हम लोग सभ्य होकर कपड़ा पहनने लगे, फिर आगे जाएगा फटाफटी पहनते पहनते चिथरा पहनते पहनते फिर से हम लोग आदिवासी बन जाएंगे, ये कोई लाजमी नहीं है, होगा देख लेना आप। ऐसी संस्कृति और अवश्य भावी परिणाम, ये संस्कृति हमारी ये अवश्य ही परिणाम दिखाएगी। असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या है, ये जो हम आज के जनरेशन में देख रहे हैं, ये सभ्यता नहीं, ये असभ्यता का प्रतीक है, ये मानना पड़ेगा। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है आज के समय में, संस्कृति बोलते बोलते हम कचरा कर रहे हैं, वह न संस्कृति है और न रक्षणीय वस्तु है, ना ही वह संस्कृति है अपना और ना ही रक्षणीय वस्तु है। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में, जो क्षण कुछ हर पल में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, किसी भी चीज को पकड़ कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से, प्रज्ञा मतलब क्या, एक इच्छा और मित्रता के भाव से किसी नए तत्व का दर्शन दिया है, जैसे मैं अभी एक धरती एक परिवार और एक भविष्य, ये चला है ना अभी का जो ग्लोबल समिट हुआ था 23 का, तो उसमें यही बताया गया है कि हम अपनी इच्छा और मित्र भाव से हम अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए
दलबंधित की जा सके। मतलब ऐसा कोई भी रक्षा सामान नहीं देखा जिसकी रक्षा हम लोग कर सके, सबका उपभोग करने के लिए सब व्यापार होता है। कोई भी सामान यार भैया, प्रकृति से हम उतना पहाड़ काट रहे हैं, प्रकृति को हम उतना पहाड़ दे कहां रहे हैं, तो हम काट कैसे रहे हैं? मतलब है कि इतना पहाड़ काट ले रहे हैं भैया, हम पहाड़ दे नहीं सकते तो काटते का है? इतना ज्यादा कोयला का पहाड़ हम लोग खदान माइनिंग कर रहे हैं, अब जब उसको देते नहीं है तो वहां से भार हटा कर हम कहीं और देंगे, तो वहां के लिए हानिकारक तो है ना। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है, मानव संस्कृति एक तरह से अलग वस्तु है, और उसमें जितना अंश कल्याण का है, क्योंकि अलग अलग विभाग अविभाज मतलब बंटवारे तो होते हैं लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा बंटवारे हो जाते हैं। मानव संस्कृति एक बिना बंटवारे का वस्तु है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव संस्कृति बिना बंटवारे के वस्तु है, लेकिन फिर भी हम उसका बदलाव कर रहे हैं, बांट रहे हैं। जैसे मैं पहले एक डॉक्टर पूरे शरीर का इलाज करता था, आज किडनी का इलाज अलग करता है, दिमाग का इलाज अलग करता है, फेफड़े का इलाज अलग करता है, दिल का इलाज अलग करता है, टंगड़ी का इलाज अलग करता है, हड्डी का इलाज अलग करता है, कान का इलाज करने वाला दूसरा डॉक्टर है, आंख का इलाज करने वाला दूसरा डॉक्टर है, हम तो बांट रहे हैं ना। अब देखो, थोक से सामान बेचने वाले अलग, खुदरा सामान बेचने वाले अलग, मारकाट करने वाले अलग, उनसे भी ज्यादा पहुंचे हुए लोग हैं यहाँ पे। उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, अस्थायी भी है। अब देखो, जितना कल्याण के लिए आगे लोग बढ़ता है उतना अकल्याण भी अपना कर लेता है, ये मानना है। और कुछ भी और सब चीज यहाँ पर दिया गया है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ ही नहीं अस्थाई भी है। अस्थाई मतलब क्या? अस्थाई मतलब नहीं, अस्थाई मतलब बदलाव होते रहता है इसमें। तो जहां पे गलत होगा वहां पे सही होगा, जहां पे सही होगा वहां पर एक गलत भाव जरूर आपके मन में आएगा। आप कितना भी ज्यादा मोटिवेशन सॉन्ग सुन लो, मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लो, जिंदगी में कुछ नहीं झंडे उखाड़ सकते, क्योंकि मोटिवेशन सॉन्ग सुनने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देश प्रेमी का गाना जब सुनोगे ना, देह में एकदम करंट सा उभनेगा, लेकिन वही एक गोली लगेगा, आम जनता को बोल रहे, एक गोली लगेगा तो एकदम प्राण छटक जाएगा। लेकिन वही आर्मी में जो गाना सुनता है देशभक्ति का, वो गाना सुना दो पूरा कारगिल जीत जाएगा, मतलब पूरा युद्ध अपना जीत जाएगा, इतना क्षमता रखता है। ये प्रश्न अभ्यास आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ, इसका भी नहीं बताएंगे, आप इसका प्रश्न अभ्यास आप खुद से कर सकते हैं, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप इसको मिस मत करना यार, पूरे के पूरे पढ़ाई को करना। ये शब्दार्थ है, कुछ आप नीचे याद कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना, केवल आपके पास बुक है बुक में पढ़ लेना। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे, फिर किसी और बुक में मिलते हैं, जैसे में स्पर्श है, संचयन भाग है, कृतिका है, आर्थिक विकास की समझ है, 10th क्लास 11 12th 12th तक मिलेगा बुक, यहाँ पर 8 से शुरू हुआ है, आप जाकर प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। और ये खत्म हो जाने के बाद ग्रेजुएशन के हर सब्जेक्ट का लेक्चर यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।